बात मेरे स्टार होने की नहीं है। अभी तो अभी हमारी सिचुएशन ठीक है ना, पैसे की कोई कमी नहीं है। फिर भी क्या हर बात में इस तरह से हर चीज को पैसे से तोलना सही है? प्लीज माँ मत किया करो ना। अभी पैसे हैं तो ये बात तू आसानी से कह सकती है। मुझसे पूछ, जब तेरा बाप तुम तीनों बच्चों को मेरे साथ छोड़कर भाग गया था ना, तब जानती हूँ आपने बहुत मुश्किल समय काटा है और बहुत स्ट्रॉन्गली आप अकेले उस सब से बाहर निकले, लेकिन मम्मा वो 16 साल पहले की बात थी। हम लोगों के साथ गलत हुआ इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हमें लाइसेंस मिल गया बार बार गलत करने का। Love you, Mama. और आप ये बात जानते हो, मैंने आज तक कुछ भी आपकी मर्जी के खिलाफ किया नहीं किया है ना। Mama, please, मेरी खातिर, सिर्फ मेरे लिए पब्लिक सर्विसेज और इस तरह से हॉस्पिटल वगैरह के पैसे मत लिया कीजिए प्लीज। भूल गया भी नहीं, अभी जो गलत हुआ है ना सबसे पहले उसे सही करने की जरूरत है। मैं भी देखती हूँ वो सुमन रस्तोगी हमारे पैसे कैसे नहीं लौटाती है। She is such a tacky woman, कैसे है ना नारायण भैया? रात भर सोया नहीं ना? क्या जरूरत थी तुझे सोनाक्षी के घर जाने की रोहित? मैडम जी, सोनाक्षी जी ना टीवी में हॉस्पिटल के बारे में कुछ बता रही है। ऑन कर दूं? आज सुबह अखबार में बिना सोचे समझे कुछ बहुत ही गलत छापा गया है। मैं आप सबसे यही कहना चाहती हूँ कि ना तो सुखमणि सिप्पी हॉस्पिटल में मेरी किसी भी तरह की इंसल्ट हुई और ना ही डॉक्टर रोहित सिप्पी बदतमीज है। वो तो सिर्फ अपना काम कर रहे थे और बल्कि बहुत अच्छी तरह से कर रहे थे। हॉस्पिटल में पेशेंट से मिलने के विजिटिंग आवर्स खत्म हो चुके थे और डॉक्टर रोहित सिप्पी के लिए उनके पेशेंट्स के आराम और रिकवरी से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। इसीलिए उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ और उन्होंने मुझे उस पेशेंट से मिलने से रोक दिया। इसमें गलत क्या है? ये तो बहुत अच्छी बात है। और पता नहीं आईसीयू के बाहर कौन जर्नलिस्ट थे जिन्होंने हमारी ये बात सुन ली और एक गलत तरीके से आपके सामने पेश कर दी। मैं आप सभी जर्नलिस्ट से एक दरखास्त करना चाहूंगी, किसी भी खबर के सारे पहलू जान लेने के बाद ही उसे लोगों के सामने पेश किया जाए, वरना वो न्यूज़ गलत हो जाती है और उससे किसे क्या नुकसान हो रहा है ये आप सोच भी नहीं सकते। मैं सुखमणि जी की फैमिली से माफी मांगना चाहूंगी। आज जो खबर छपी है उस वजह से जिस तरह से पूरी फैमिली और सुखमणि सिप्पी हॉस्पिटल का नाम उछाला गया है उसके लिए आई एम सॉरी। तो खुद सुनी आपने पार्वती जी की जुबानी उनकी कहानी, उनका सच। सुखमणि सिप्पी हॉस्पिटल को क्लीन चिट मिल चुकी है। अब आगे देखिए क्या दिल धड़कता है शो के राजू और मानसी। साहब, ये पार्वती मैडम मतलब सोनाक्षी मैडम ने भेजा है। सोनाक्षी ने इवेंट की पूरी फीस वापस लौटा दी। चेक के साथ आपका वॉलेट भी भेज रही हूं, बिल्डिंग कंपाउंड से मिला था, चेक करना कुछ मिसिंग तो नहीं।
छाकलास आ छोकरी में। आज की तारीख में कोई भी इतनी बड़ी रकम रिटर्न नहीं करता, और वो भी काम होने के बाद। हॉस्पिटल का नाम और मीडिया की मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों क्लियर कर दी लड़की ने। हैट्स ऑफ टू। क्वाइट इंप्रेसिव। इनफैक्ट मैं ये सोच रहा हूँ कि अपने अगले वेंचर के लिए सोनाक्षी को ब्रांड एम्बेसडर बना देता हूँ। व्हाट डू यू गाइस थिंक? मैं तो पहले से ही कह रही थी लड़की वाकई बहुत अच्छी है। अब माँ चाहे कैसी भी हो, लड़की अच्छी। इस बात से मैं सहमत हूँ भाभी। आई एग्री। जो गलती हुई उसे सही करने की कोशिश कर रही हूँ। सीरियल नंबर चेक कर लीजिए। मेरा ये प्रॉमिस भी पूरा हुआ। गुड बाय। हाय, माय नेम इज रोहित सिप्पी और मैं अपनी वॉच का सीरियल नंबर क्रॉस चेक कराना चाहता हूँ। आप मेरे लिए कर सकते हैं प्लीज? जी नित्रा जी। कांग्रेचुलेशंस बेब, टीआरपी आ गई है एंड केपी की इज ऑन द टॉप। मैंने कहा था ना आपसे कि शादी हमेशा मर्डर ट्रैक से ज्यादा काम करती। देखा, वही हुआ। yes. चलिए अब अगले हफ्ते भी ये पोजिशन मेंटेन करने के लिए मेहनत करते हैं। Come on, यार थोड़ा तो रेटिंग एंजॉय कर लो। हाँ, फिर तो पूरे हफ्ते यही करना है। चैनल से कुछ अलग ट्रैक, फिर हमारी कुछ और सोच। सी यू, बाय। हेलो सोनाक्षी। हाय रोहित है। आपने जो सीरियल नंबर भेजा था वो मैंने कंपनी से क्रॉस चेक कर लिया है। घड़ी जो है वो मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है। आप चाहें तो डबल चेक कर सकती हैं। हेलो, आर यू देयर? हाँ हाँ, नहीं मुझे कोई क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कह रहे हैं तो आई ट्रस्ट यू। घड़ी आपकी होगी, लेकिन प्लीज आप भी मेरा यकीन कीजिए। वो घड़ी मुझे किसी ने दी थी। अब कैसे दी थी, उससे कैसे मिल गई, आपके हाथ से गिर गई जब आप सेट पे आए थे, या क्या हुआ, मैं नहीं। It's okay, it's fine. अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। घड़ी मिल गई है, that is the best part. अब क्या मैं वो वापस ले सकता हूँ? क्या बात है, ये डॉक्टर खड़ूस इतना मीठा कब से हो गया? मतलब इसके से नहीं मेरी दिल है, ये कब हुआ? हाँ हाँ श्योर, घड़ी आपकी है तो आपको तो दूंगी। मैं बस अभी घर जाके घड़ी लौटा दूंगी। ओके, यू आर सो काइंड। थैंक यू वेरी मच। अब डॉक्टर सर्जन। या सॉरी, मेरे दिमाग से निकल गया। मैं अभी घर जाऊंगी और तुरंत मेरी शूट है, मुझे सेट पे जाना है, नाइट शिफ्ट है, तो मैं कल सुबह पक्का प्रॉमिस आपकी घड़ी वापस दे दूंगी। ओके कल सुबह आपकी शूटिंग है कहाँ? फिल्म सिटी। मिमी, रवि से कहो घर ना जाए, मुझे बाहर जाना। सोनाक्षी जी, इज इट ओके अगर मैं अभी आपकी शूटिंग पे आ जाऊँ और अपनी घड़ी ले लूँ? अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप मलाबार हिल से फिल्म सिटी क्यों आएंगे? बहुत दूर है और आपकी तो तबीयत भी ठीक नहीं थी, आपको आराम करना चाहिए। वो घड़ी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट मी। आप बस वो घड़ी अपने पास रखिए, मैं कुछ ही देर में आपकी शूटिंग पे आ जाऊंगा। एंड सोनाक्षी, वो इंटरव्यू और क्लैरिफिकेशन देने के लिए थैंक यू।
It's really very sweet of you. You're welcome. ठीक है फिर मैं अपनी शूट लोकेशन का एड्रेस मैसेज करती हूँ आपको. Yeah, thank you, thank you. Okay. तो गरम दिमाग के साथ साथ नरम दिल भी है इस डॉक्टर के पास. जरूर वो घड़ी बहुत महंगी, नहीं जरूर उस घड़ी का कोई बहुत गहरा कनेक्शन है इस डॉक्टर सर्जन से.